नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके केस स्टडी है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि केस स्टडी को किस तरह से अप्रोच करना है। आपको ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पर जाओ, और क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको ये लगता है कि पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप पैराग्राफ कराओ, और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जनरली जो आपको केस स्टडी में क्वेश्चन मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उसका आंसर देना। जैसे कि अगर देखो ये जो केस स्टडी में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस पे क्वेश्चन क्या है, देखो इसका क्वेश्चन ये है आपका कि इन विच ऑफ द सिंपल प्लांट टिश्यू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड। स्क्लेरेनकाइमा, लिग्निन क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है लाइक सीमेंट, एंड व्हाई इज कॉर्क इंपरवियस ऑफ टू गैसेस एंड वाटर। तो कॉर्क क्यों इंपरवियस होती है गैसेस और वाटर, बिकॉज उस पे केमिकल सब्सटेंस है, उसको फ्लोरीन कहते हैं, राइट। तो जो आपका आंसर होगा वो आपको इस तरह से देना है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो गया कि लिग्निन जो होता है किस सिंपल प्लांट टिश्यू में होता है, तो आप क्या कहोगे स्क्लेरेनकाइमा। वो लिग्निन होता क्या है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट दैट एक्ट एज ए सीमेंट एंड हार्डनेस एसिड। फिर कोर क्यों इंपरवियस होता है गैसेस और वाटर के, तो आप क्या कहोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड सीवरेज। तो इस तरह से केस स्टडी को अप्रोच किया जाता है, क्लियर है, ठीक है।